नमस्कार इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं टुन्ना जी पांडे। टुन्ना जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी सर, जी जी सर, हाँ, मिल सवाल रही। आपसे सीधा है, क्योंकि आप शहाबुद्दीन साहब के परिवार के करीबी आदमी हैं। राष्ट्रीय जनता दल में जो नए तौर पे जो संगठन का विस्तार हुआ, यू कहे तो जो नए नए लोग को जगह मिला है, कार्य समिति में जो मेंबर्स है उसमें फेरबदल की गई है, शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का नाम कटा है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, हो सकता है इससे अच्छा जगह कुछ मिलने वाला हो। अब तो मैडम से हो सकता है उन लोगों कोई बात हुआ हो। जब तक मैडम इस पर रिएक्ट नहीं करेंगी तब तक हम लोग कुछ इसमें कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि नहीं एक मैडम हाँ मैडम का रिएक्शन आने के बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कि हकीकत बात क्या है। अब पहले हम लोग कोई रिएक्शन देना अच्छी बात नहीं है सर। राज्यसभा के वक्त जब जब भेजा जा रहा था, उस वक्त भी चर्चा थी कि हिना साहब नाराज हो गई है नहीं भेजे जाने के बाद। एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि अब आरजेडी ने तो पल्ला ही झाड़ लिया है कि भाई शहाबुद्दीन साहब के परिवार से मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं क्या नहीं देखिए सर, नाराजगी ऐसी कोई है? नहीं, हम लोग अपने मन से आकलन लगा रहे हैं सर। हम लोग जैसे जो भी कथित समर्थक हैं शहाबुद्दीन साहब के, उनके परिवार के, या आरजेडी के, या मीडिया कर्मी बंधु लोग हैं, तो हम लोग अपने मन से आकलन लगा रहे हैं। अभी कोई ऐसा आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है शहाबुद्दीन साहब के परिवार से या आरजेडी कार्यालय से कि क्यों मैंने उनको नहीं रखा गया। उनको रखा जाना चाहिए था। हो सकता है माननीय लालू जी चाहे तेजस्वी जी चाहे लालू जी, हो सकता है मैडम से बात किए हों, बात करके हो सकता है कि कुछ और पद देना चाहते हों। लेकिन हकीकत क्या बात है, जब तक मैडम द्वारा कुछ नहीं कहा जाएगा या पार्टी द्वारा नहीं कहा जाएगा, तो हम लोग अपने मन से कुछ भी आकलन कर लेना जल्दीबाजी होगा सर। एक सवाल आपसे और है। जब गोपालगंज के चुनाव हुए, जो परिणाम है, जिस प्रकार से मुस्लिम वोटों का जो कह सकते हैं कि बंटवारा हो गया, आरजेडी से दूरी बढ़ानी, कुढ़नी में चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो आरजेडी से नाता तोड़ रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब जो प्रकरण हुए, उनकी पत्नी की नाराजगी की बात हुई, ये तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं मुसलमान वोट पे असर डाल रहा है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मुसलमान दूरी बना रहे हैं, और भी संकट की घड़ी आ सकती है आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए? नहीं देखिए, दूरी तो बन रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसमें न हम नकार सकते हैं न आप नकार सकते हैं सर। आखिर इस दूरी के कारण क्या है हमको समझ में नहीं आ पा रहा। जब तक खुल करके शहाबुद्दीन साहब के परिवार की तरफ से भी कुछ बात होनी चाहिए, या पार्टी कार्यालय की तरफ से, या आरजेडी कार्यालय की तरफ से कुछ बात होनी चाहिए, राजद के प्रवक्ता को कुछ कहना चाहिए, तो दोनों तरफ से कोई बात नहीं होती है। इससे हम लोग की स्थिति ऊहापोह बनी रहती है। चाहे जो भी समर्थक हैं, जानने वाले हैं, चाहने वाले लोग हैं, अब अपने मन से हम लोग जो भी आकलन लगाना चाहते हैं लगाते रहते हैं। लेकिन हकीकत बात क्या है, ये तो आरजेडी प्रवक्ता द्वारा, आरजेडी से आएगा या मैडम के द्वारा कुछ कहा जाएगा। हाँ एक एक अंतिम सवाल का जवाब आपसे ले लेंगे। आरजेडी को लेकर लगातार कहा गया कि एम और वाई की पार्टी, ये छाप आरजेडी पर रही है। तेजस्वी यादव इन दिनों ए टू जेड की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ए टू जेड की बात करने में तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मुसलमानों को भूल गए हैं? कई बड़े चेहरे हैं उनको भूल गए हैं, उनको नहीं नहीं दरकिनार नहीं देखिए देखिए, ए टू जेड का मतलब हुआ बिहार में या देश में हर वर्ग के लोग रहते हैं। करना तो दरअसल जैसे बीजेपी की तरफ बनिया ब्राह्मण ज्यादा पहले झुकाव रखता था, उसी है। तरह आरजेडी की तरफ से एमवाई का झुकाव ज्यादा था। तो दरअसल ये तो तेजस्वी जी की बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ए टू जेड का मतलब हर समाज के लोग आरजेडी से जुड़े हैं, हर समाज की पार्टी आरजेडी है। ये तो अच्छी बात है ना, इसमें भूलने न भूलने की कहीं प्रश्न नहीं है। तो हर समाज के लिए आरजेडी है सर, इसीलिए इसमें। मुसलमान मुसलमान आरजेडी से दूरी बना रहे, इस बात को आप भी स्वीकार कर रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो देखने को ही नहीं, अब आप ही के द्वारा चाहे जो भी समाज में बात चल रही है, ये तो है कि कुछ दूरियां बन रही है, इसमें कहीं आप नहीं नकार सकते हैं। इस दूरिया की कारण क्या है, इसमें आरजेडी को भी सोच खोजना पड़ेगा, और दरअसल मैडम को भी इसके ऊपर खुल करके बोलना चाहिए, कहना पड़ेगा कि आखिर दूरी का कारण क्या है। हकीकत बात है कि मैंने इग्नोर किया जा रहा है। अगर इग्नोर किया जा रहा तो अच्छी बात नहीं है इसमें हम अच्छी लोग बात मैडम है। अच्छी बात नहीं इसमें हम लोग मैडम के साथ क्यों। आप उस परिवार के करीबी हैं, जब से ये फेरबदल हुआ है उससे कोई बातचीत हुई हो, कुछ एक्टिविटी आपको नहीं लगा हो नहीं नहीं उससे? नहीं देखिए नहीं, मैडम से हमारी कोई बात नहीं हुई है। राज्यसभा के टाइम में थोड़ी बात हुई थी, उसके बाद हमसे कोई बात नहीं हो पाई है सर। अभी तो हम थोड़ा बाहर हैं इसीलिए हमसे बात नहीं हो पाई है। अब हम जब सामान लौटेंगे तो मैडम के यहाँ जाएंगे, बात करेंगे। लेकिन हकीकत बात क्या है, क्यों दूरी बन रही है, आपके स्वेच्छा से दूरी बन रही है या आप दूरी बना रहे हैं स्वेच्छा से, या पार्टी दूरी बना रही है। अगर पार्टी दूरी बना रही है
ये भी हम लोग के नजर में अच्छी बात नहीं है। अगर मैडम दूरी बना रही है तभी भी हम लोग अच्छा नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि मैडम की दूरी न बने आरजेडी से, आरजेडी से मैडम की दूरी बिल्कुल न बने। ये हम लोग कोशिश करेंगे पार्टी की तरफ से या मैडम की तरफ से, ये चलिए, बिहार के बहुत हित में अच्छा नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया टंडन जी समय देने के ओके ओके जी, प्रणाम प्रणाम।